अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले एडवांस ईद मुबारक जो इस मुल्क से बाहर मेरे पाकिस्तानी मेहनत कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और सलाम सबको। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह उठ चुके हैं आज, माशाल्लाह दूसरा दिन है। इतना ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसे लगे जैसे सर्दी वापस आ चुकी हो। पता है क्या, इतना ठंडी हवा है ना, ये अब बस नज़ला होने वाला है हमें भी। आज दूसरा दिन है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है हमारे गांव का। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज सुबह सुबह बस्ती जा रहे हैं। आज दो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं बस्ती में चावल छोले की। बस मारना ख़त्म हो जाए फिर ये मुकाबला होता है इनका चावलों का। दूसरी रेड़ी वहां खड़ी है, दुकानें अभी बंद हैं। अब मैं आ चुका हूं बट की दुकान पर। बट का भाई और उसका दोस्त टीवी देख रहे थे। न्यूज़ चल रही है 92 पर। नादर भाई की दुकान पर आ चुके हैं। मौली साहब भी दुकान खोल ली है। मौली साहब ने अपना पोस्टर लगवा लिया है क्रेन वाला। ईद मुबारक वाला हाँ, घर पहुंच चुका था। नहा लिया धो लिया, जुमे की तैयारी कर ली। सबको जुमा मुबारक। आज आखिरी जुमा है माह रमज़ान का हमारे लिए। सऊदी अरब में तो ऑलरेडी ईद हो चुकी है, उनको ईद की मुबारकबाद, हमें आखिरी जुमे की मुबारकबाद दी जाए। और अब तैयारी कर लिया, इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। अभी घूमते फिरते हैं फिर नमाज पढ़ेंगे। और मौसम ज़बरदस्त है, हवा अभी ठंडी ठंडी है। लगता है आसपास बारिशें हो रही हैं, इसलिए सुबह सुबह बहुत ठंड होती है यहाँ पर। देखते हैं कितना दिन हवा ठंडी रहती है और गर्मी कब अपना असर दिखाएगी, देखेंगे। अच्छा ये देखें, हमारी बस्ती में अभी भी साइकिल के शौकीन होते हैं जो साफ करते हैं साइकिल को। वो देखें सफाई कर रहे हैं साइकिल की। अच्छी सवारी हुआ करती थी ये साइकिल भी। ये गाय हैं, देसी गाय बस्ती की। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली जुमे की और रेस्ट भी कर लिया है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का निशान दबा दिया करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर से बस्ती पहुंच चुका। आशिक हुसैन फोन पर गप्पे लगा रहा है। माता को
फोन पे बातचीत हो रही है। हमोन जादूगा सारा दिन पड़ा रहता है हमोन। लड़के ने पकोड़े आज मुकम्मल कर लिए हैं, पकोड़े बना लिए हैं, बिक भी रहे हैं, थोड़े से बच गए हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ घर। कहीं नहीं मैं अली की दी गांव की छोटी सी सब्जी की दुकान पर आ चुका हूँ। आज तोरी है, भिंडी है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, कद्दू है, बताऊँ बैंगन जिसे कहते हैं वो है, और होती ताज़ी सब्जी होती है, मगर अभी तकरीबन होने वाली है। यकूब खान आ चुके हैं, गाड़ी पंचर हो चुकी है उसकी, शायद पंचर वाले घर गए हुए हैं, आ जाएंगे। क्या खूबसूरत नज़ारा है हमारे गांव का, बहुत सुकून मिलता है। सरसब्ज खेत हैं, दरख्त, खूबसूरत दरख्त हैं। शाम होने वाली है, हमारे गांव में सिर्फ ये सादा ईद की तैयारी करते हैं, और सुबह आपको ईद दिखाएंगे बच्चों की, बड़ों की, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, और सलाम उन सब लोगों को, और यूट्यूब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ तावंद कर रहा है। यूट्यूब भी मैंने देखा है अपनी वीडियोस पर, सब चीज़ पर, थैंक्स यूट्यूब। और मेरी तरफ़ से सबको एडवांस ईद मुबारक। आप जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखा करें और दूसरों का भी ख्याल रखा करें। तब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।